हेलो बच्चे, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह तरीके से कर रहे हो बेटा। तो पढ़ाई सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। ये बेटा ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, पहले हम समझते हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ध्यान देना बेटा, स्पीड जितनी आप बढ़ाओगे टाइम उतना आपको कम लगेगा। डिस्टेंस अगर कॉन्स्टेंट रहे तब, जैसे कि आप अगर 10 की स्पीड से जाओगे तब आपको 10 किलोमीटर कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा अपेक्षाकृत, अगर आप 70 की स्पीड जाओगे तब समय आपको कम लगेगा। तो यहाँ देना, स्पीड बढ़ेगी आपका टाइम कम हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। तो कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। हमको डिस्टेंस याद रखिए, लेकिन डिस्टेंस लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन। हमको डिस्टेंस दे रखी है 480, हमको किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर ये दे रखी है। वो कह रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि ट्रेन एक अपनी नियत चलन फिक्स फिक्स स्पीड से चल रही है। तो हम लोग क्या मानेंगे, लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड। हम क्या मान लेंगे कि हम मान लेंगे एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन हमारी यहाँ पर चल रही है। अब कह रहे हैं इसके बाद कहानी सुनो। तो बेटा देखो, अब इसमें अगर हम स्पीड वाला फॉर्म लगा दें तो लिखेंगे टाइम टेकन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई ट्रेन। भाई यहाँ देखो, अगर कोई ट्रेन एक्स की स्पीड से चल रही है तो उसको अगर 480 किलोमीटर अगर डिस्टेंस, अगर वो डिस्टेंस बेटा कवर करती है कितना टाइम लगेगा? तो टाइम कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल आपका होता है डिस्टेंस अपान का टाइम, ये बेटा फॉर्मूला होता है। तो टाइम की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी आपका, आ जाएगा डिस्टेंस डिस्टेंस अपान का स्पीड ही हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा इसमें मान लेते हैं कि T1 समय लगता है, डिस्टेंस हमारी 480 हो जाएगा, स्पीड हमको यहाँ पर एक्स मान लेंगे, इसके बेटा इक्वेशन भी के लिए एक्स मान, इसके इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 1 मान लेंगे। ठीक है, कह रहा है अब देखो इतनी पहली लाइन से हम इतना यहाँ से इतना निकाल सकते हैं। T1 हमारा क्या जाएगा कि भाई एक्स की स्पीड से 480 किलोमीटर कवर करने में लगा समय हमारा T1 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो, अब कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेस। कह रहे हैं अगर ट्रेन की स्पीड, जैसे मान लो ट्रेन की स्पीड आपकी एक्स रही होगी, अब ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड कम हो जाती है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे लिखेंगे न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन ऑफ द ट्रेन थोड़ा पहले स्पीड आपकी एक्स थी, अगर एक्स में 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाती है तो ये बेटा हमारी नई स्पीड यहाँ पर ये आ जाएगी प्रति घंटा हमारा जाएगा। अच्छा डिस्टेंस हमको वही दे रखा है, डिस्टेंस हमारा वही 480 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि देन इट कुड हैव टेकन 3 आवर मोर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहे हैं अब 480 किलोमीटर डिस्टेंस के कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो बेटा इस समय T2 कितना पहुंच जाएगा? लिखेंगे टाइम टेकन बाई ट्रेन। अब बेटा समय मान T2 समय लगता अगर है तो अब क्या हो जाएगा, T2 वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बेटा फॉर्मूला लगाएं तो आपको कितना जाएगा, डिस्टेंस मतलब 480 आ जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, एक स्पीड आपकी एक्स माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टाइम यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा तुम यहाँ देखो, ठीक कह रहे हैं जो T2 है, T2 समय T1 से 3 घंटे ज्यादा लेता है, तो इस समय ये क्या हो जाएगा, T2 जो बेटा आपका होगा वो T1 से आपका बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि T2 3 घंटे समय ज्यादा लेता है। तो देखो जब स्पीड कम करोगे तो समय आपका बढ़ जाएगा, तो T2 आपका T1 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो तुम क्या लिखोगे, सर T2 माइनस का T1। भाई T2 3 घंटे ज़्यादा है, T1 3 घंटे कम है, तो T2 माइनस का T1 कितना आपको आ जाएगा, आपका
आपका थ्री रहेगा, हमेशा थ्री जाएगा। टी टू की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, इसको इक्वेशन टू मान लो, तो टी टू कितना आपका आ जाएगा 480 अपान का एक्स माइनस का एट आ जाएगा। ये कितना जाएगा 480 कितना जाएगा, ये आपका एक्स यहाँ ऐसे रहेगा। भाई देखो इसको सॉल्व कर लो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी पूरी बन जाएगी। कैसे बनेगी, यहाँ देखो बेटा दोनों में 480 कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा 1 अपान का एक्स माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 1 अपान का एक्स हो जाएगा। अब देखो ये 3 हमारा ऐसा लिखा रहेगा, भाई कट रहा है 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 6 जा 18 और 0 आपका आ जाएगा, तो 160 आपका आ जाएगा। इनका बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 160 ऐसे लिखा रहेगा, तो कितना जाएगा एक्स बेटा ऐसा रहेगा, तो ये माइनस का ऐसे आपका जाएगा, माइनस का ये आपका ब्रेकेट लग जाएगा, तो माइनस का एट आपका ऐसा आ जाएगा। और अपान में कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर। भाई अपान को एक्स को एक्स माइनस एट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स आपका आ जाएगा, इक्वल हमारा यहाँ पर वन आ जाएगा। भाई इन साहब इन इन साहब को हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 116 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, जैसे बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस का आपका एट यहाँ पे आ जाएगा। और ये भाई साहब कितना आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स आ जाएगा यहाँ पर। और देखो ये से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एट रहेगा इधर ये। अब एट को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये जीरो आप कैसे रहेगा, 16 8 128 तक कितना जाएगा आपका, ये आपको कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा रहेगा बेटा, तो माइनस का एट एक्स लिखा रहेगा। अब बेटा जब इनका करोगे तो 16 8 कितना आ जाएगा, अब आपका 128 यहाँ पर आता है, 16 8 कितना जाएगा ये 128 आपका आ जाएगा, तो माइनस का 128 बराबर आपका जीरो आ जाएगा। भाई इनका अगर हमको ये तो बेटा हमसे क्या बोला गया था, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन, भाई ट्रेन की स्पीड के फॉर्म में आपका इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा। भाई एक्स को हमने स्पीड बनाया था ना, स्पीड के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी दोस्तों। तो अगर बेटा देखो अब होमवर्क क्या है, इसके आगे के का फैक्टर आप लोग खुद करना, खुद इसका फैक्टर आप लोग करोगे, दिक्कत होगी तो फैक्टर आपका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। 128 को ब्रेक कर दो, इसका फैक्टर कैसे करोगे, 128 का आप लोग फैक्टर करना, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 आपका आ जाएगा, 2 1 9 2, 2 6 12 आपका आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, 2 4 8 अरे 2 2 9, और ये 2 1 9 2 आपका आ जाएगा। हमको 8 ये माइनस का 8 यहाँ लाना है, तो 2 2 9 4, 2 9 8, 2 2 9 4, 2 9 8 आपका आ जाएगा। ये तो हो गया देखो, 2 2 9 4, 2 9 8, 2 9 16, इसका फैक्टर कैसे करोगे देखो इधर, इसी में इसको जोड़ करके फैक्टर करना है, अभी फैक्टर कम करके यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक। इसका फैक्टर कैसे करोगे देखो, हमको 8 लाना है, देखो आपका जाएगा 2 2 9 4, 4 ही हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 2 9 4, 2 9 8, 2 9 16, 16 16 16 आ जाएगा, ये 16, ये कितना जाएगा, ये आपका 4 2 9 8 आ जाएगा। भाई ये आपका 8 रहेगा, ये आपका 16 आ जाएगा। भाई देखो इसका फैक्टर कैसे हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस का एक्स, ये आपका माइनस का 16 एक्स, और प्लस का आपका 8 एक्स आ जाएगा, और माइनस का 128 बराबर आपका जीरो आ जाएगा। भाई इनका फैक्टर लेना, कॉमन लेना, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इतना तो आप लोग खुद से काम कर सकते हो। मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।